देश में पिछले एक दिन में कोविड-19 से 3,417 मौतें हुई, जिनमें से 74.54% मौतें 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यानी महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात व हरियाणा में हुई। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 669 मौतें हुई। बकौल सरकार दादरा नगर हवेली व दमन दीव, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश में पिछले एक दिन में कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई। जानिए बड़े राज्यों में क्या है कोविड के हाल। महाराष्ट्र में रविवार को 56,647 लोग संक्रमित पाए गए, 51,356 लोग रिकवर हुए और 669 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 47,22,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 39,81,000 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार को 30,857 लोग संक्रमित पाए गए, 36,650 लोग रिकवर हुए और 288 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 13,13,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को 20,394 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 24,444 लोग ठीक हुए और 407 की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में रविवार को 11,825 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 16,931 लोग ठीक हुए और 246 की मौत हो गई। गुजरात राज्य में रविवार को 12,978 लोग संक्रमित मिले, 11,140 लोग रिकवर हुए और 153 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश राज्य में रविवार को 12,662 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 13,890 लोग ठीक हुए और 94 की मौत हो गई। न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए।